माननीय मुख्य अतिथि महोदया, राज्य मंत्री संस्कृति भारत सरकार, माननीय तिवारी जी राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय सच्चिदानंद जोशी जी मेंबर सेक्रेटरी आईजीएनसीए, प्रोफेसर आचार्य जी, प्रोफेसर शास्त्री जी, इस खूबसूरत ऑडिटोरियम में पधारे सभी महानुभाव एवं काशी के समस्त निवासियों, जैसी काशी की परंपरा है एक बार फिर से बोलेंगे हर हर महादेव। बहुत अब लग रहा है कि बनारस में आ गए हम लोग। जैसा कि आप सबको विदित है, आजादी का अमृत महोत्सव भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष में आयोजित किया जा रहा है। 12 मार्च 2021 को इसी वर्ष प्रधानमंत्री जी ने दांडी गुजरात में जाकर इस समारोह का शुभारंभ किया था और यह समारोह 15 अगस्त 2022 से होता हुआ 15 अगस्त 2023 तक संपादित होगा, ऐसा निर्णय लिया गया है। बहुत ही वृहद समारोह है, पूरी सरकार जन जन का उत्सव है और इसकी जो राष्ट्रीय समिति है उसके अध्यक्ष खुद माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, जो आपके सांसद भी हैं, और इसकी जो क्रियान्विति होती है नेशनल इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, राष्ट्रीय क्रियान्वयन समिति, उसके अध्यक्ष माननीय गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी हैं। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि यह समारोह सरकार द्वारा कितनी गंभीरता और कितने उच्च स्तर पर मनाया जा रहा है। इस समारोह में पूरे भारत में समस्त प्रमुख स्थानों पर, समस्त जगहों पर विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं। अभी तक लगभग 8000 कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं, जिसमें से 6000 केंद्र सरकार के मंत्रालयों द्वारा और 2000 राज्य सरकार के मंत्रालय विभागों द्वारा किए गए हैं। हर माह हमारा यह प्रयास रहता है कि 5 से 10 तक बड़ी इवेंट्स हो, जिनको हम आइकॉनिक इवेंट्स करते हैं, जो देश के कोने कोने में हो। और जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने इसकी 5 थीम्स निर्धारित की हैं इस महोत्सव की, सबसे पहली थीम है आजादी, फ्रीडम एट 75, जो हमारी विरासत है, हमारा स्वतंत्रता संग्राम है, जो हमारा इतिहास है, जो पिछला काल है, उसको कैसे हम शोकेस करें, उसको कैसे सम्मानित करें। दूसरा है एक्शंस अचीवमेंट्स एट 75, पिछले 75 साल में देश ने क्या क्या अर्जित किया, क्या क्या अचीवमेंट्स हुए। तीसरा है एक्शंस एट 75, आज हम क्या क्या एक्शन ले रहे हैं जो देश को आगे बढ़ाने में, जैसा प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को अपने लाल किले के भाषण के दौरान कहा था कि अमृत काल अब शुरू हो रहा है, तो 75 वर्ष से 100 वर्ष जब भारत की आजादी के हो जाएंगे 2047 को, उन्होंने इसको अमृत काल का नाम दिया है और मेरे विचार से और हम सबके विचार से ये इस देश के लिए डिफाइनिंग मोमेंट होगा और हमें सब पे इस पे विचार करना है कि हम कैसे सारी अपने इतिहास को, अपने करंट को, अपने भविष्य को एक साथ समेट कर कैसे इसको भारत को शोकेस करें, ताकि जो हमारा विश्व गुरु बनने का सपना है, जो विश्व गुरु बनने की हमारी आकांक्षा है, वो पूरी हो सके। इसी आकांक्षा के तहत भारत के विभिन्न स्थानों पर, जैसा मैंने पूर्व में निवेदन किया, विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। और मुझे याद है कि एक समिति की जब बैठक हो रही थी बहुत उच्च स्तर की, जब काशी उत्सव का नाम आया तो एक सेकंड में ही यह प्रस्ताव अप्रूव हो गया कि काशी शंकर जी की नगरी है और यहां जो विभूतियां हुई हैं, यहां की जो संस्कृति है, यहां की जो परंपरा है, यहां का जो रहन सहन है, यहां का जो खान पान है, उसमें इतनी सारी चीजें हैं सेलिब्रेट करने की, इतनी सारी चीजें हैं कि अगर हम 15 अगस्त 2023 तक हर दिन एक सेलिब्रेट करें फिर भी शायद ये कम पड़ जाएगा। तो इसीलिए काशी उत्सव को ये मैं इसलिए भी बहुत आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूं क्योंकि मैं यहीं पर पढ़ा हूं, मेरी पढ़ाई राजघाट स्कूल बनारस और फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय की IIT में हुई है।
तो जैसा कहते हैं कि हमाऊ बनारसी है, इसलिए और एक बहुत बड़े फिलोसोफर पश्चिम के हैं रूमी, उनकी एक अंग्रेजी में छोटी सी एक लाइन है कि यू वंडर लुकिंग फॉर डायमंड फ्रॉम रूम टू रूम एंड देन यू रियलाइज इट इज ऑन योर नेक। हम हीरे की तलाश एक कमरे से दूसरे कमरे में करते हैं लेकिन अंत में जाकर पता लगता है कि वो हीरा तो हमारी गर्दन में ही लटका हुआ था। तो ये जो फिलॉसफी है ये काशी के लिए बहुत ही उपयुक्त है। हम पेरिस, न्यूयॉर्क, टोक्यो, लंदन और पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। हमारी मुख्य अतिथि जी विदेश राज्य मंत्री भी हैं, बहुत जगह जगह जाती हैं। हम लोग जब भी पूछते हैं तो पता लगा आज पेरिस में है, आज लंदन में है। लेकिन जो रूमी की जो कहावत है कि कितना भी हम ढूंढ लें जो चीज भैया बनारस में है वो कहीं नहीं तो इन्हीं सब भावनाओं को लेकर उच्च स्तर पर यह निर्णय किया गया कि काशी को सेलिब्रेट किया जाए और उसी की परिणति आज का प्रोग्राम है। कई बार इतना कुछ हो रहा है आपके शहर में, उसको मिस कृपया मत करिएगा कभी भी। हम जब पढ़ते थे बीएचयू में तो उस उस्ताद बिस्मिल्ला खां जी का कार्यक्रम हो रहा होता था, एन राजम जी की वायलिन चल रही होती थी, हम उसको छोड़कर एक फटीचर सा कोई अंग्रेजी गाना सुनने चले जाते थे। कितना मिस किया हमने उसको। अब जाकर पश्चाताप होता है कि काश उस समय उस्ताद बिस्मिल्ला खां के कार्यक्रम में सम्मिलित हो जाते, रविशंकर जी के कार्यक्रम को सुन लेते। छन्नूलाल मिश्रा जी आज हमारे बीच में नहीं है, आज प्रोग्राम में नहीं है, हमने बुलाया था उनको। किसी सर आपसे ज्यादा हमारा प्रेम इसलिए है कि उन्होंने हमें छठी कक्षा में म्यूजिक पढ़ाया था राजघाट स्कूल में, पर 1976 में हम उस हीरे को पहचान नहीं पाए। जब हमारे म्यूजिक टीचर वो अपॉइंट हुए तो हम उनकी साइकिल की हवा निकाल देते थे, हमको पता नहीं था उनके टैलेंट के बारे में। और इसीलिए शायद राग मल्हार छोड़ के हम आज सिर्फ राग दरबारी पर भी हम लौट आए हैं और उसके अलावा कोई राग हमको नहीं आती है। मेरा सिर्फ ये कहने का मकसद ये है कि जो काशी में जो घटित हो रहा है, रोज काशी के कोने कोने में जो घटित हो रहा है उसको अपने आप में समेटने का प्रयास करें, यही सबसे बड़ी काशी के प्रति हमारी सम्मान होगा, काशी के प्रति हमारी जो भावनाएं हैं उसको प्रदर्शित किया जा सकेगा। छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं, उनको कृपया मिस न करें। और यहां की जो साहित्यिक विभूतियां हैं, जो छह मुंशी प्रेमचंद जी, तुलसीदास जी, कबीरदास जी, संत रविदास जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद के आपने कमायनी का मंचन देखा, इन सब में जो हीरे छुपे हुए हैं उनको भी ढूंढने का प्रयास करें। और ये अंग्रेजी तो चलती रहेगी पर जो ये है इसको सेलिब्रेट करें। और आप सब यहां पधारे, मुझे पता है आप किसका इंतजार कर रहे हैं, वो भी शीघ्र आएंगे। हम भी बनारस के से समझते हैं आपकी भावनाओं को। इसी के साथ आपको पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।